क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लेने के बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। राइट द ट्रू और फॉल्स। तो हमको यहाँ पर ऑप्शंस मिले हुए हैं उसमें एक्सप्रेशन से, और आपको ये मार्क करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन x रेज टू 2/3। तो आप देखें हमने क्या किया, x स्क्वायर और ये जो 1/3 है इसको उसके होल रेज में लिखा। आपको मालूम है हमने आपको एक रूल दिया था, x रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू m इनटू n। तो अगर आप ध्यान दें 2/3 इज रिटन एज 2 × 1/3। तो 2 पावर मैंने ब्रैकेट में रखा और 1/3 बाहर नोट किया। अब नेक्स्ट 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो हमने क्या करा, इस 1/3 की जगह मार्क किया क्यूब रूट। तो आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर एक्स रेज टू 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16x⁻³ y⁻² (8⁻²) x⁻³ (y⁻²)। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन नोट करूं तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहला 16x⁻³ y⁻² (8⁻²) x⁻³ y⁻²। तो आपको मालूम है नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इट इज इक्वल टू 16 × x⁻³ इज रिटन एज 1/x⁻³ y² इंटू 8⁻²। तो क्या आ जाएगा, 1/8⁻²। नेक्स्ट x³ एज इट इज एंड y⁻², 1/y²। अब अगर आप ध्यान दें y² कैंसिल, x³ कैंसिल। तो नाउ वी हैव 8 raised to 1 यानी कि 8, 16/8 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये तो था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब अगर आप 17 को देखें तो इसमें क्या था, वैल्यू ऑफ 8/27 होल रेज टू -1/3 इनटू 32/243 होल रेज टू -1/5। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं 8/27 होल रेज टू -1/3 इनटू 32/243 होल रेज टू -1/5। अब ध्यान दें मैं इस ब्रैकेट के नंबर्स को रिवर्स कर रहा हूं, तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि कहने का मतलब हियर वी हैव 27/8 होल रेज टू 1/3। तो यहां पर ध्यान दें हमने ब्रैकेट को रिवर्स किया है, तो आपको मालूम है जब भी टर्म रिवर्स होगा तो पावर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन। माइनस है तो किसमें हो जाएगा, प्लस, और प्लस है तो माइनस। इसी तरह से नेक्स्ट वी हैव 243/32 होल रेज टू 1/5। अब जरा ध्यान दें दैट टर्म इज क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 27/8 एंड 1/5 मींस फिफ्थ रूट। तो फिफ्थ रूट ऑफ 243/32। नेक्स्ट आप 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो अगर मैं 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 27 आता है। तो इसका मतलब हुआ 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3। 8 2 × 2 × 2। तो 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव 8। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 243, अब 243 का अगर आप फिफ्थ रूट लें तो 243, अगर आप ध्यान दें 243 इज 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 243 का फिफ्थ रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, 3। एंड 32 इज 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 5 टाइम्स। तो इसका मतलब 32 का फिफ्थ रूट क्या आ जाएगा, 2। तो 3/2 × 3/2 इज इक्वल टू 9/4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/4। क्वेश्चन नंबर 18।
The value of x plus y whole raised to 2 by 3 into x minus y whole raised to 3 by 2 divided by root of x plus y into root of x minus y, bracket is closed and whole raised to 6. तो अब इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो एक बार वापस x प्लस वाई होल रेज टू 2 बाय 3 x माइनस वाई होल रेज टू 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस वाई इनटू रूट ऑफ x माइनस वाई होल रेज टू 6. अब जरा ध्यान दें, x plus y whole raised to 2 by 3, x minus y whole raised to 3 by 2 or divide by. अब आपको मालूम है, remember root of x means x raised to 1 by 2. तो root का मतलब होता है power 1 by 2. तो it is written as x plus y whole raised to 1 by 2 or next multiply में है x minus y whole raised to again 1 by 2 bracket is closed and raised 6 or power 6. अब ये जो power 6 है वो each and every term के लिए mark होगा क्योंकि बीच में multiplication और division है सिर्फ. तो आप तो 6 को हर एक के लिए break कर देंगे और आप rule क्या use कर रहे हैं, x raised to m whole raised to n is equal to x raised to m into n. तो ध्यान दें, x plus y whole raised to 2 by 3 into 6 into x minus y whole raised to 3 by 2 into 6. Next, x plus y whole raised to 1 by 2 into 6 and then x minus y whole raised to 1 by 2 into 6. अब अगर आप ये multiplication open करेंगे, 3 से 6 cancel 2 times 2 to the 4. x plus y whole raised to 4 into x minus y whole raised to 9. So here we have our next, we have whole divided by x plus y whole raised to 3 into x minus y whole raised to 3. So ye to hamare paas yahan pe term aa gaya. Ab aap dekh sakte hain x plus y का पावर 3 और 4 यानी कि ये कैंसिल एक टर्म में जाएगा. x माइनस y का पावर 3 और x माइनस y का पावर 9, 9 में से 3 लेस हो गया 6. तो फाइनली वी हैव x प्लस y इनटू x माइनस y होल रेज्ड टू 6. तो जो एक्सप्रेशन है उसमें जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर, x प्लस y इनटू x माइनस y होल रेज्ड टू 6. तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा. Maybe इसमें एक एरर है, यहाँ पे पावर था 3. तो अगर ये पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर देखें 3 और 1 by 2 यानी कि 3 into 1 by 2. तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, 3 by 2. तो 3 by 2 यानी कि अगर आप इसको कैंसिल करते तो definitely we have 9. तो ये यहाँ पर क्या आ जाता था, 9. और इसका मतलब है ये टोटली कैंसिल हो जाता. तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन नहीं होगा. तो फाइनली वी हैव ओनली आंसर x plus y. तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक एरर था तो उसको जरा करेक्ट करेंगे. x raise to x minus y whole raise to 3 है रूट के अंदर और जो हमने यूज किया, जरा मैं उसको साइड में लिखता हूँ, x minus y cube और ये क्या है रूट. तो इट इज रिटन एज x minus y whole raised to 3 और root के लिए क्या लिखा, 1 by 2 और वापस 3 into 1 by 2 यानी कि x minus y whole raised to 3 by 2. तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर simplified हुआ. तो finally answer is x plus y. Next, simplified value of 125 raised to 2 by 3, 25 into 5 into 5 raised to 1 by 3 into 5 raised to 1 by 2. तो अब आप जरा देखें, सबसे पहला एक बार रिपीट करते हैं, 125 होल रेज टू 2 बाई 3 इंटू रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 1 बाई 2. तो अभी आप यहाँ पे 5 रेज टू क्या लिख सकते हैं, 3 25 को 125 को होल रेज में 2 बाई 3
आपको मालूम है 25 का स्क्वायर रूट पाई, नेक्स्ट पाई रेज टू 3, और ये क्यूब रूट चल रहा है इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा 1/3 पाई रेज टू 1/2 एज इट इज। अब आपको मालूम है पावर रेज टू पावर मल्टीप्लीकेशन, पाई रेज टू 3 इंटू 2/3 पाई, पाई रेज टू 3 इंटू 1/3 इंटू पाई रेज टू 1/2, 3 से 3 कैंसल, नेक्स्ट वी हैव पाई स्क्वायर अगेन पाई, 3 से 3 कैंसल, पाई रेज टू 1 और पाई रेज टू 1/2, तो आपको मालूम है 25 इंटू 5 इंटू 5, 5 रेज टू 1/2 को मैंने क्या लिखा है रूट ऑफ 5, रिमेंबर x रेज टू 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ x, तो 25 पाई जा 125 पाई जा 625 रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस बोथ आर इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट वन ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट 2 रेज टू 1/2 इंटू 4 रेज टू 3/2 इंटू 8 रेज टू 5/6, और नेक्स्ट वी हैव इंटू 16 रेज टू 7/10 इंटू 32 रेज टू 9/10 होल रेज टू 4 एंड अगेन होल रेज टू 3/25, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। अब जरा ध्यान दे मैं करके रहा हूं, अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है इसका रेज 4 और इस पूरे का रेज भी कितना आ रहा है अगेन 3/25, तो इस ब्रैकेट को अगर रिमूव कर दें तो 4 और 3 इंटू 3/25 का मल्टीप्लीकेशन, रूल नंबर 3 x रेज टू m अपॉन n इज इक्वल टू x रेज टू m n, तो ये रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो जरा देखें दो चीजें एक साथ ले रहे हैं, जरा ध्यान देना, ब्रैकेट 2 कुछ नहीं कर सकते एज इट इज, 2 रेज टू 1/2 इंटू 4, 4 इज रिटन एज 2 स्क्वायर, होल रेज टू 3/4 इंटू 8, 2 रेज टू 3 होल रेज टू 5/6 इंटू 16, 2 रेज टू 4 होल रेज टू 7/8 इंटू 32, 2 रेज टू 5 होल रेज टू 9/10 एंड देन 4 इंटू 3/25, तो जरा ध्यान दें 4 और इसका रेज भी क्या है 3/25, तो हमने क्या करा 4 इंटू 3/25, नेक्स्ट 2 रेज टू 1/2 इंटू, अब यहाँ पे पावर रेज टू पावर मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू या 2 रेज टू 2 इंटू 3/4 इंटू 2 रेज टू 3 इंटू 5/6 इंटू 2 रेज टू 4 इंटू 7/8 इंटू 2 रेज टू 5 इंटू 9/10 और होल रेज टू 12/25, नेक्स्ट नाउ वी हैव 2 रेज टू 1/2 एज इट इज, आपको मालूम है 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल 2 टाइम, तो इट इज 2 रेज टू 3/2, 2 रेज टू 5/2 सिमिलरली 2 रेज टू 7/2 और 2 रेज टू 9/2 होल रेज टू 12/25, अब बेसिस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इट इज रिटन एज 2 रेज टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 एंड होल रेज टू 12/25, सबका डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा नंबर 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 4 25, तो 2 रेज टू 25 डिवाइड बाय 2 और होल रेज में 12/25, अब आपको मालूम है पावर रेज टू पावर अगेन मल्टीप्लीकेशन 2 रेज टू 25/2 12/25, बिल्कुल इजी है, आपको मालूम है 25 से 25 कैंसिल 2 से 12 6 टाइम कैंसिल, तो इट इज 2 रेज टू 6 इज इक्वल टू 64 एन इंटीग्रल वैल्यू।
ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, और क्या सॉल्यूशन आ रहा है, एन इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे पास बी इज राइट ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट सम है। अगेन वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं और इस तरह से दिया आपके पास। तो देखो आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो जरा देखें, ब्रैकेट वन माइनस कर्ली ब्रैकेट सेम वन माइनस, रिमेम्बर अब मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट का पावर क्या दिया है, माइनस वन। तो इसको मैं लिख रहा हूं वन माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरा सर्कुलर ब्रैकेट रिमूव हो गया, होल रेज में माइनस वन एंड अगेन होल रेज माइनस वन बाई टू। अब मैंने यूज क्या किया, एक्स रेज टू माइनस वन इज रिटन एज वन अपॉन एक्स। तो ये हमने यहां पर यूज किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रेज माइनस वन था, जिसे लिख दिया वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि हम कर्ली ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करेंगे, वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइड बाई क्या रह गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है, माइनस वन एंड होल पावर इज माइनस वन बाई टू। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, तो वी हैव वन माइनस, देखते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होके चेंज नहीं आएगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस वन एंड माइनस वन बाई टू। माइनस वन प्लस वन कैंसल, नाउ वी हैव वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस वन एंड माइनस वन बाई टू। अब ये माइनस वन है, इसको रिवर्स कर दो, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर क्या रह गया, माइनस वन बाय टू। हमने क्या यूज किया, जरा यहां ध्यान दें, ए अपॉन बी होल रेज टू माइनस वन इज रिटन एज बी अपॉन ए। तो आप इसको रिवर्स कर देंगे, तो बी ऊपर ए नीचे, और माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा पावर, प्लस वन, तो प्लस वन लिखते नहीं, तो बी अपॉन ए। नेक्स्ट अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जरा ध्यान दें, वन माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस वन बाई टू, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू। आगे इधर ले लेते हम लोग सॉल्यूशन, अब ये क्रॉस कर जाएगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस वन बाय टू। वन इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज माइनस वन बाय टू। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो फाइनली वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस वन बाय टू। मैं वापस इसको इंटरचेंज कर दूं, यानी कि रिवर्स कर दूं, तो माइनस से क्या हो जाएगी पावर, प्लस, तो एक्स स्क्वायर होल रेज टू वन बाय टू। अब आपको मालूम है पावर रेज टू पावर, तो एक्स रेज टू टू इंटू वन बाय टू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, टू से टू कैंसल, एक्स रेज टू वन इट इज एक्स रेज टू वन, यानी कि एक्स। तो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज एक्स। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू एन होल रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन, जरा ध्यान देना, एक्सप्रेशन एन माइनस वन अपॉन एन, और फिर होल रेज टू वन अपॉन एन प्लस वन एन। तो अगर हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहला एक्स रेज टू एन होल रेज, इसको क्रॉस करेंगे, एन इन टू एन माइनस वन अपॉन एन, और होल रेज में वन अपॉन एन प्लस वन। तो हमने ये जो पावर था एन माइनस वन अपॉन एन, इसको सिंप्लीफाई किया, इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन होल रेज टू एन इन टू एन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एंड वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये पावर रेज टू पावर अगेन पावर, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो एक्स रेस टू एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन और वन अपॉन एन प्लस वन, आपको मालूम है एन से एन कैंसिल, इधर जरा ध्यान दें, एन स्क्वायर माइनस वन इज रिटन एज एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर एंड इट इज एन माइनस वन एन प्लस वन। हमने फॉर्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये एन स्क्वायर माइनस वन को हम लिख रहे हैं एन माइनस वन एन प्लस वन और होल डिवाइड बाय एन प्लस वन, तो ये कैंसल, तो फाइनली वी हैव आंसर एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो ये होता क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 23, अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला एक्स रेज टू एल अपॉन एक्स रेज टू एम, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू एल माइनस एम, लॉ नंबर टू। होल रेज में क्या चल रहा है एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, अगेन एक्स रेज टू एम माइनस एन और होल रेज में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एन माइनस एल एंड होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये तो अपने पास आ गए यहाँ पे टर्म। अब एक फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दें पावर रेज टू पावर, तो इसे लिखा जाएगा एल माइनस एन इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, सेम एक्स रेज टू एम माइनस एन और साथ में मल्टीप्लीकेशन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू, अब ये हमारे पास एन माइनस एल सेम एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला जरा देखिए ए माइनस बी तो उसकी जगह क्या रहा एल माइनस एम, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो इन दो एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करें तो इट इज रिटन एज एल क्यूब माइनस एम क्यूब सेम एक्स रेज टू एम क्यूब माइनस एम क्यूब सेम एक्स रेज टू एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो ये तो टर्म आ गया, बेसिस आर इक्वल तो पावर एड हो जाएंगे एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एम क्यूब एन क्यूब माइनस एल क्यूब। लॉ नंबर वन हमने यूज किया बेसिस आर इक्वल एंड पावर्स बी एडेड फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब एल क्यूब एल क्यूब एन क्यूब एन क्यूब एन क्यूब एम क्यूब कैंसल। तो फाइनली एक्स इज टू जीरो आंसर इज इक्वल टू वन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 एंड 25। तो हियर वी हैव एक्स इक्वल टू पी रेस टू 1 बाय 3 इन माइनस पी रेस टू माइनस 1 बाय 3 और आपको नीचे ऑप्शंस में से एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और बताना है विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला ए माइनस बी द होल क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले। तो सबसे पहले क्यूबिंग क्यूबिंग यानी कि क्यूबिंग बोथ साइड, तो देन वी हैव एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी रेज टू वन बाय थ्री माइनस पी रेज टू माइनस वन बाय थ्री द क्यूब। अब जरा ध्यान दें एक्स क्यूब ये ए और ये बी, तो पहला ए क्यूब पी रेज टू वन बाय थ्री होल रेज टू थ्री माइनस थ्री ए बी, तो थ्री इंटू पी रेज टू वन बाय थ्री और पी रेज टू माइनस वन बाय थ्री, फिर ए माइनस बी पी रेज टू वन बाय थ्री माइनस पी रेज टू माइनस वन बाय थ्री माइनस बी क्यूब पी रेज टू माइनस वन बाय थ्री द क्यूब। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू आपको मालूम है पावर रेज टू पावर मल्टीप्लीकेशन
और 3 से 3 कैंसर, तो नेक्स्ट वी हैव p रेज्ड टू 1 माइनस 3 p रेज्ड टू 1 बाय 3 इनटू ये नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव p रेज्ड टू 1 बाय 3 एज इट इज। अब अगर आप ध्यान दें p रेज्ड टू 1 बाय 3 और p रेज्ड टू माइनस 1 बाय 3 किसके इक्वल है x, ये गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर p रेज्ड टू 1 बाय 3 माइनस p रेज्ड टू माइनस 1 बाय 3 के लिए हमने x रिप्लेस किया माइनस p रेज्ड टू माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल। तो रिमेंबर यहां पर एक जगह हमने x सॉरी रिप्लेस किया है p रेज्ड टू 1 बाय 3 माइनस p रेज्ड टू माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट ये दोनों भी टर्म कैंसिल, अब 1 पावर लिखते रहेंगे तो सिर्फ क्या रह गया p माइनस 3 और ये क्या रह गया x और यहां पे माइनस 1 अपॉन p। आपको मालूम है x रेज्ड टू माइनस 1 is equal to 1 upon x, तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था x cube is equal to p minus 3x minus 1 upon p। अब ये 3x को इधर shift कर लेंगे तो then we have x cube plus 3x is equal to p minus 1 upon p, तो ये हमारे पास final solution आ जाएगा x raised to 3 plus 3x is equal to p minus 1 upon p। अब ये तो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 एंड वी हैव ट्रिकी क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस a रेज़ टू m माइनस n प्लस a रेज़ टू m माइनस p 1 अपॉन 1 प्लस a रेज़ टू n माइनस n a रेज़ टू n माइनस p प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a रेज़ टू p माइनस m और p माइनस n। अब जरा ध्यान दें पहले एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में m में से पावर माइनस हो रहा है तो ये वन और टर्म दिख रहा है, इस वन को रिप्लेस कर देंगे m माइनस m। रिमेंबर मैंने क्या किया m माइनस m और आपने क्या यूज किया होगा आपको मालूम है a रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो m माइनस m 0 यानी कि ये हमारे पास और a रेज टू m माइनस n a रेज टू m माइनस p प्लस सिमिलरली 1 अपॉन, अब यहाँ n माइनस m है n माइनस p है तो इसलिए 1 की जगह रिप्लेस कर दिया a रेज टू n माइनस n प्लस a रेज टू n माइनस m प्लस a रेज टू n माइनस p प्लस 1 अपॉन a रेज टू, इस बार p में से माइनस हो रहा है तो इसलिए a रेज टू p माइनस p प्लस a रेज टू p माइनस m प्लस a रेज टू p माइनस n। अब जरा देखें हम क्या और किस तरह से नोट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, दैट टर्म इज रिटन एज a रेज टू m इनटू a रेज टू माइनस n प्लस a रेज टू m इनटू a रेज टू माइनस n a रेज टू m इनटू a रेज टू माइनस p। तो हमने ये जो दो टर्म ऐड हो रही है यानी माइनस उसको अलग अलग इस तरह से नोट कर लिया a रेज टू m इनटू a रेज टू माइनस n। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेम प्लस 1 अपॉन a रेज टू n इनटू a रेज टू माइनस n a रेज टू n इनटू a रेज टू माइनस n प्लस a रेज टू n इनटू a रेज टू माइनस p प्लस सेम। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें 1 अपॉन a रेज टू p इनटू a रेज टू माइनस p a रेज टू p इनटू a रेज टू माइनस n प्लस a रेज टू p इनटू a रेज टू माइनस n। अब जो टर्म कॉमन है a रेज टू m कॉमन है पहले टर्म में, दूसरे एक्सप्रेशन में a रेज टू n कॉमन है और तीसरे में a रेज टू p, तो आपने a रेज टू m कॉमन निकाला, नया क्या किया a माइनस m प्लस a रेज टू माइनस n और नेक्स्ट a रेज टू माइनस p। सिमिलरली आपने कॉमन निकाला a रेज टू n a रेज टू माइनस n a रेज टू माइनस m a रेज टू माइनस p प्लस, अब हमने कॉमन लिया a रेज टू p, अब ये a रेज टू माइनस p a रेज टू माइनस m और a रेज टू माइनस n। अब इस a रेज टू m को सिर्फ ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू माइनस m और नीचे बाकी टर्म एडेड a रेज टू माइनस m a रेज टू माइनस n a रेज टू माइनस p। अब इसको ऊपर शिफ्ट किया a रेज टू माइनस n बाकी टर्म एडेड a रेज टू माइनस n a रेज टू माइनस n
रेस टू माइनस पी, यहाँ से ए रेस टू पी को ऊपर शिफ्ट कर लो तो पावर अपोजिट हो जाएगा, ए रेस टू माइनस पी, ए रेस टू माइनस पी, ए रेस टू माइनस एम और ए रेस टू माइनस एम। अब अगर आप ध्यान दें, सबका डिनोमिनेटर सेम है, वही तीन टर्म सब में, तो इसका मतलब एलसीएम सेम, ए रेस टू माइनस एम, ए रेस टू माइनस एम और ए रेस टू माइनस पी, ऊपर क्या आ जाएगा सेम ऐड हो जाएगा, ए रेस टू माइनस एम, ए रेस टू माइनस एन, ए रेस टू माइनस पी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, तो सॉल्यूशन इज वन। तो दीज टू प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास था नेक्स्ट।